मेरे तो एक अटल सत है जो क्या करूँ कोई टाल नहीं सकता। नरक की आवाज सुनने से पहले हम नरक में क्या क्या होता है इसका बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हर इंसान को अपनी इच्छा के बुरे कर्मों को सजा नरक में मिलती है, और ऐसा कहा जाता है कि हर एक इंसान उसके धर्म कर्म और उनका स्वर का नरक मिलता है। तो नरक का नाम लेते ही हर किसी के रूह कांप जाती है। हर किसी को लगता है कि उन्हें मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, यानी माने तो नरक के बाद लोगों को क्राइम करना कम हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि मौत बाद इंसान को अपना वेदनाएं होती है, वही सारे पापियों को नरक में भोगना सजा मिलती है, उनके दर्द सहना पड़ता है। ये जानते हैं कौन सी नरक दी जाती है नरक की सजाए? महावीची। गुरु पुराण में ऐसा कहा जाता है कि नरक में बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं जिस पर लोग देखा जाता है, वे सजा उन लोगों को मिलती है जो लोग गाय की हत्या करने से वो नरक में लाया जाता है। कुंभ की पाक। इस नरक में जमीन पर अंगारे होते हैं, जो लोग दूसरों को जमीन हड़पते हैं उन्हें यहाँ लाकर वेदना दी जाती है। रौरव। जो लोग कोट या पीठ कोठी का वाही देते हैं उन्हें लोग तीर से मारा जाता है। महारौरव। जो लोग दूसरों को खेत में गोदाम आगे लगाते हैं उन्हें नरक में आग जलाया जाता है। तिल पात। जो लोग दूसरे को परेशान करते हैं, दूसरों को जबरदस्ती का लांगते हैं उन्हें नरक में तिल जैसे तेल निकाला जाता है। इस प्रकार से इंसानों को सजा दी जाती है।